हो गया। और वजदान वैसे आपको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ताकत की, माशाल्लाह आपके पास बहुत ताकत है। चैनल हीर अली। गाइस क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज है सैटरडे और वीकेंड है तो इब्राहिम की आँख में 2-3 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जो है वो आज इसका डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। तो अभी जो है वो मैं जा रही हूँ, इसका 2-3 दफ़ा चेकअप हो चुका है, बार बार इसकी आँख में पता नहीं क्यों दर्द हो जाता है। तो मैंने कहा आज वीकेंड है तो आज फिर जो है ना वो चेकअप करा लेते हैं एक दफ़ा। तो मैं इसको अभी लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल और हमें बहुत मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का जो है वो टाइम मिला है। तो अभी बस मैं सारा काम वाइंड अप करके जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवा कर और सफाई शफाई कर कर बस मैं जो है ना वो अभी रेडी हो रही थी, तो चेंज वेंज कर रही थी। तो मैंने कहा अभी मैं जल्दी से चेंज करके निकलती हूँ, फिर मैं जो है वो आ जाके देखती हूँ, अगर वहाँ बना सके वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी और फिर वापस आके बताती हूँ कि क्या सीन है और क्या चेकअप हुआ उसका। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हो गया। और हम आए थे यहाँ पर पूरे 12 बजे और अब बज रहा है 1:30 हो रहे हैं तकरीबन। और जो है वो इब्राहिम के सारे टेस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गए इब्राहिम। और अभी जो हमने टेस्ट करवाया है वो इसका बायोमेट्रिक टेस्ट था, है ना, तो वो पूरा आई चेकअप हुआ है इसका जो है ना, क्योंकि इसके बहुत दिनों से आई में बहुत दर्द था। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि नंबर तो उसका चेंज नहीं हुआ है और बायोमेट्रिक टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो जो है अब देखते हैं कि ना क्या प्रॉब्लम है, वो बताएंगे तो फिर मैं आपको तो बताऊंगी कि क्या मसला है। पता नहीं क्या मसला है इनकी आँख के साथ, और ये भाई के दर्द हो रहे हैं और इनके दांत निकल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सनप्रूफ ग्लासेस हैं फिर भी धूप लग रही है। सो गाइस डॉक्टर के से हम लोग वापस आ गए हैं और बहुत थक हार गए हैं यार। सुबह 9 बजे से उठे हुए थे और वही सारा काम शाम, फिर बच्चों को नाश्ता वाश्ता, इसमें बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर बच्चों को जल्दी जल्दी लेकर जाना वहाँ पर, फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ इतना वेट करवाते हैं क्योंकि आईज के सबके चेकअप हो रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले एक ड्रॉप डालते हैं, फिर दूसरा ड्रॉप डालते हैं, फिर उसका चेकअप होता है, तो इन सब प्रोसीजर में बहुत टाइम लग जाता है। हमें एग्जैक्ट 12 बजे वहाँ पहुँचना था और हम पूरे 12 बजे वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ बहुत रश हो रहा था, तो हम वहाँ पर ऐसे कोई वीडियो बना नहीं सकते थे। तो बस उसका बायोमेट्रिक टेस्ट वगैरह हो रहा था तो वो ही बना सकी मैं। फिर डॉक्टर से जो है वो अलग अलग केबिन में जाकर जो है वो उनसे जो है वो बात हुई, उन्होंने सारा बताया डिटेल में। लेकिन हुआ कुछ यूं के जो है ना वहाँ पर उन्होंने यही कहा कि इसका ग्लासेस का नंबर भी नहीं बढ़ा और कोई इसको ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों उसके आई में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं हम नंबर बिल्कुल सही है तो अब हम क्या दें, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आँख में मुस्तकिल दर्द है। पता नहीं बार बार मैं चेकअप कराती हूँ फिर भी कोई ना कोई इशू रहता ही है इसके साथ। इवन ये कि फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जो है ना आप किसी और डॉक्टर को रेफ़र कर दिया कि आप यहाँ पर जाके दिखा दें किसी और, पता नहीं वो कोई न्यूरो सर्जन है क्या है, तो उसको दिखाना है। तो फिर अब देखते हैं कि बाबा आएंगे तो फिर हम वहाँ पर जाकर उनको भी दिखा कर आएंगे। तो बस इन बस यही हुआ और अभी हम घर पहुँच गए हैं और बच्चे जो हैं गधे घोड़े बेच कर सो गए हैं। तो इनकी हालत कुछ इस तरह से है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक वहाँ पे पड़ा हुआ है। वो देखें, आते ही मैंने इनको कहा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर पढ़ने बैठ जाओ तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। और इसने तो ग्लासेस भी नहीं उतारे, अल्लाह अल्लाह। तो ये दोनों जो हैं जैसे पढ़ाई का नाम सुना ऐसे सो रहे गधे घोड़े बेच कर सो गए। वो एक वहां पड़ा हुआ है और ये देखे हमारा शेर का बच्चा उठ गया। चलो उठो, खड़े हो, थकते नहीं हो सो सो के? कि कब से सो रहे हो? दोपहर से हैं, जब से आए हो डॉक्टर के से जब से सो रहे हैं। इब्राहिम उठो, खड़े हो। इब्राहिम जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ। कौन सी ऐसी नींद हो गई? नींद की गोलियां खाकर आए थे क्या डॉक्टर के से?
वो देखो इनको देखो, उठो अजी उठो, जाओ वॉशरूम जाओ, चलो इब्राहिम उठो, हाथ मुंह धोकर आओ, फ्रेश अप हो जाओ, चलो। और वो देखो इब्राहिम ने सो सो के पूरी चादर का हशर कर दिया। इब्राहिम उठो, चादर ठीक करो वहां से, बजी जाओ जाके चेंज चेंज करो, उठो चलो। चलो धुल गया मुंह, धुल गया, लग तो नहीं रहा। जाओ जाके कपड़े चेंज करो, चलो उठो, पहले चेंज करो, ट्राउजर वेयर करो, पैंट शर्ट उतारो अपनी और कपड़े पहनने बैठो। चलो तो भाई वजदान जो है वो गावा लेकर आए हैं अभी, तो मैंने इनको काट के दिए हैं और हम फ्रूट्स खा रहे हैं। और वजदान वैसे आपको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ताकत की, माशाल्लाह आपके पास बहुत ताकत है ना। भाई को जरूरत है, आपको ताकत की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी खा लो, कोई बात नहीं। और ये बहुत मजेदार मसाला है जो हम अमरूद वाले से लेकर आए थे, अब हम इसमें लगाएंगे अच्छी तरीके से मसाला और अब हम इसको खाएंगे। वैसे देख रहे हैं मुझे भाई, वाह मजेदार, कैसा था वजी? सो गैस, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई है और इनकी छुट्टी हो गई है, और अब मैं जो हूँ वो सोच रही हूँ कि मैं किचन का रुख करूँ, कपड़े शपड़े चेंज करूँ अपने, और घरेलू कपड़ों में आकर और जो है वो मैं खाना शाना बनाऊँ। मगरिब हो रही है और अब खाने का टाइम होने वाला है, सो मैंने सोचा कि आज मैं फ्राइड राइस विथ चिकन शाशलिक बनाती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आएगी, तो मेरी वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो अब मैं जाती हूँ किचन में और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। फ्राइड राइस के लिए यहाँ पर मैंने राइस बॉईल कर लिए हैं, और यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं जिसमें कैप्सिकम और कैरेट है, और ये मैंने बहुत छोटी छोटी सी कट की है क्योंकि मेरे बच्चे राइस में नहीं खाते हैं वेजिटेबल ज़्यादा, तो वो निकाल देते हैं, इसलिए मैंने उसको थोड़ी थोड़ी सी कट की है ताकि वो इजीली खा लें। और ये एक एग है जो मैंने फ्राइड राइस में डालना है। अच्छा, शाशलिक के लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है क्योंकि मोस्टली उसके लिए बोनलेस चिकन ही यूज़ की जाती है, और दो यहाँ पर मैंने कुछ विंग्स भी लिए हैं क्योंकि मुझे जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं शाशलिक में विंग्स, जब मैं राइस में डाल के खाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें विंग्स भी ऐड किए हैं। बाकी बच्चों के लिए मैंने सारे छोटी छोटी साइज़ की जो है वो बोनलेस चिकन ही यूज़ की है। इस चिकन को हमने मैरिनेट करना है, और उस मैरिनेशन के लिए हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें मिक्स करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सिरका, विनेगर 1/2 टेबल स्पून जो है वो आप, और ये मैंने चिली सॉस थोड़ा सा ऐड किया है, इस पर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ये मैंने 1/2 1/2 स्पून लिए, आप एज पर योर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर और डालूंगी, और सम सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। और लास्ट पे मैं इसमें थोड़ी सी रेड पेपर ऐड करूंगी। और लास्ट इंग्रेडिएंट है मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने अभी अभी फ्रेश फ्रेश यहाँ पे ग्राइंड किया है। ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रखूंगी। यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस बनाने के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक अंडा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी वेजिटेबल्स, आप एग को और आप थोड़ी वेजिटेबल्स को अपनी कुछ सेकंड्स के लिए इसको सौदे करेंगे। अब वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं जो बॉईल किए थे मैंने। अब इसमें थोड़ा सा मैं चिली सॉस जो है वो मिक्स कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी ही मैं इसमें ये वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। बस ये चीज़ें हमने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें, ये मैंने तमाम चीज़ों को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और ये है फाइनल लुक ऑफ फ्राइड राइस, ये देखें। अब मैं इसको टेस्ट करके भी देखती हूँ।
ज़बरदस्त। अगर इस स्टेज पर आपको राइस में कोई नमक कम लग रहा है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। शाशलिक के लिए मेरे टमाटर बॉयल, टमाटर ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल कर इसको पील ऑफ करके और ग्राइंड करूंगी, इसकी प्यूरी बनाऊंगी। अब हम बनाएंगे शाशलिक और मैरिनेशन को मेरे पूरे आधा घंटा हो गया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है पैन में और अब हम इसमें ये सारे जो हमने मैरिनेशन के लिए रखी थी चिकन मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसका लिड कवर करके इसको 5-7-8 मिनट के लिए रखूँगी तो ये चिकन जो है वो अपना जो भी पानी छोड़ेगी और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा पानी इसका और चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब चिकन मेरी कंप्लीट डन हो गई है। देखें इसका पानी जो निकला था वो भी सारा ड्राई हो गया है और उसी पानी में ये गल गई है, चिकन सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी आँच को थोड़ा कम कर देंगे और इसमें हम डालेंगे जो हमने इस शेप में ऑनियन और इस शेप में कैप्सिकम को कट किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑनियन और कैप्सिकम को आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करना है, बस थोड़ा सा ना इसका फ्लेवर आ जाए इसमें बस। अब ये चिकन, कैप्सिकम और ऑनियन को अच्छी तरह फ्राई करके आपने इसमें निकाल लेना है एक प्लेट में अलग से। टमाटर को लेके मैंने बॉईल किया और जब वो हल्के से सॉफ्ट हो गए तो उसको पील ऑफ करके मतलब उसका छिलका उतार कर और उसको मैंने ग्राइंड कर दिया तो ये इसकी मेरी टमाटर की जो प्यूरी है वो रेडी हो गई। अब इसको हमने इसमें उसी जिसमें आपने पैन के अंदर ये अपने चिकन विकन फ्राई की थी उसी के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। अब इसमें आप सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर जो है वो आप 1 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने बनाया है चिकन क्यूब, आधे चिकन क्यूब को मैंने पानी में भिगो के रखा था। अगर आपके पास चिकन की रेडीमेड बनी हुई है यखनी तो आप वो इसमें ऐड कर दें और वो नहीं है तो फिर आप इसमें जो है ना आप इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं कि आप आधे चिकन क्यूब को जो है वो आप पानी में डिप करके रखें और फिर आप उसको इसमें इस तरह से ऐड कर दें, या आपकी यखनी इंस्टेंट रेडी हो जाती है। ठीक है, अब आपने इसमें टोमेटो प्यूरी के अंदर आपने यखनी को ऐड कर दिया और सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, थोड़ी सी आपने इसमें काली मिर्च को ऐड करना है और थोड़ा सा आपको इसमें कुटी हुई मिर्च को ऐड करना है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा ही आपने इसमें नमक को ऐड करना है और फिर ये तमाम स्पाइसेस आपने इसमें मिक्स कर दिए। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा चिली गार्लिक केचप जो है मैं कनौर का यूज़ कर रही हूँ ये इसमें अच्छे से ऐड करेंगे और टोमेटो केचप भी जो है वो इसमें ऐड करेंगे, दोनों चीज़ें। ये मैं अब टोमेटो केचप इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से सारा केचप और स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर के पानी में मिक्स करके और इसमें ऐड कर दें। कॉर्नफ्लोर मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये तमाम हमारे चिकन जो थी और वेजिटेबल्स थी ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा शाशलिक बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखें। So here is the final look of my fried rice and shashlik.
तो गाइस मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। बहुत जबरदस्त, यकीन करें बहुत ही टेस्टी बने हैं, और आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।